हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का मेरे स्टूडियोस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नई नई लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ, चाहे वो पुरानी से पुरानी हो या नई से नई हो, उसका कोई ना कोई मुख्य कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सहारा सुब्रताय के बारे में। जैसा कि सुनते हैं आप कि पैसे से पैसा कमाने की कला तो वो जानते ही हैं, अब लोगों को ठगने की भी कला उनके पास इस वक्त माहिर है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी लूट मचाई गरीबों की जो करी है, तो वो सहारा सुब्रताय ने अपनी, जी हाँ दोस्तों, चिटफंड कंपनियों को फैला कर की है। और उसके से जमा किया हुआ पैसा, निवेशकों का गरीब पैसा, कन्वर्ट कर करके दोस्तों अपने पैसे से पैसा कमाने वाली कला में माहिर सहारा सुब्रताय। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ पुरानी न्यूज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से निवेशकों के पैसे को इन्होंने हड़पा और किस तरीके से सहारा क्यूस ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। सहारा इंडिया परिवार की उपभोक्ता उत्पाद बेचने वाली रियल इस्टेट कंपनी सहारा क्यूस ऑफ का नाम देश भर में एक साथ सबसे अधिक स्टोर खोलने के लिए गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो दोस्तों देखिए, किस तरीके से आपके पैसे को कमाकर ये नमक, जी हाँ दोस्तों, नमकीन बेचने वाला एक मामूली, जी हाँ दोस्तों, एक सेलमैन जो कल तक एक लम्बरेटा खटारा स्कूटर पर नमकीन बेचता था, आज 40 साल से निवेशकों के पैसे पर राज करने वाला एक ऐसा, जी हाँ दोस्तों, राजा बन चुका है दोस्तों, जिसकी बादशाहत पूरे दुनिया में चल रही है। दोस्तों कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा देश, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर इसका अपना धंधा ना बैठा हो। दोस्तों ये सारा इस वक्त पैसा दोस्तों गरीब निवेशकों का खून पसीने से कमाकर जो निवेशकों ने इनके पास जमा किया, वो एक षड्यंत्र तरीके से, जी हाँ दोस्तों, इस वक्त निवेशकों को पैसे से पैसा कमाने में लगे हुए हैं। ना जाने कितने उद्योग इन्होंने गरीब के खून पसीने से लगाकर आज गरीब निवेशकों को आँखें दिखानी शुरू कर दिए हैं और कहना शुरू कर दिया, अगर पैसा लेना है तो चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी धौंस देने वाला आज की, जी हाँ दोस्तों, मौजूदा सरकार में ऐसी धौंस देने वाला सहारा सुब्रताय, जो अखबार के माध्यम से सीधा सीधा कहता है कि पैसा लेना है तो निवेशक चुपचाप बैठे, क्योंकि उसे पता है कि कहीं से कहीं तक पैसा सरकार देने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार को उल्लू बनाने के लिए इसके पास उन्हीं के हथकंडे बहुत है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहना का यह है कि सरकार और कानून दोनों को खेलना यह जानता है, क्योंकि इस ये हर कला में निपुण है। गरीब का पैसा किस तरीके से इसने निवेश करके लोगों का हड़पने की एक बड़ी साजिश, जी हाँ दोस्तों, रची, जो जग जाहिर हो चुकी है कि सुब्रताय ने से विभाग पर जो पैसा जमा किया था 21,100 करोड़ रुपये था दोस्तों, उसको निवेशकों के मुंह से छीनकर फिर अपनी जेब में भर लिया। दोस्तों ऐसी दशा में ऐसा लगता है कि सहारा का ध्वंस देना बिल्कुल सही है, जो कि उसने 2 महीने पहले अखबार में ध्वंस दी थी। तो दोस्तों आज हम इस नमकीन बेचने वाले खटारा स्कूटर पर बैठ के, इस सेलमैन के आज हम हाथों के, जी हाँ दोस्तों, गुलाम बन गए हैं कि अगर ये पैसा देगा तो मिलेगा। सरकार को अपंग करने वाले इसके पास राजनीतिक हथकंडे ऐसे हैं दोस्तों, जिनको इस्तेमाल करके ये सभी गरीब निवेशकों को, जी हाँ दोस्तों, लूट रहा है। भारतवर्ष की 35% आबादी ऐसे ही चिटफंड ठगियों के जेब में गरीबों का पैसा जा चुका है। दोस्तों न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ